गुड मॉर्निंग एवरी वन, इट्स योर मैथ्स क्लास एंड टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.8। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर डिजिट्स। सो जहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क्स हैं हमें वहाँ पे प्रॉपर डिजिट्स फिल करनी है। लेट्स स्टार्ट। कौन से नंबर में से आप 8 माइनस करोगे कि 7 आ जाए? कैसे पता लगेगा? सी, जब भी हमें ऊपर की डिजिट पता लगानी होती है हम क्या करते हैं, नीचे के 2 नंबर्स को ऐड कर देते हैं। सो आप 8 और 7 को ऐड करिए, क्या आएगा? 15, राइट? अब हम 15 तो नहीं लिख सकते यहाँ, तो हम क्या लिखेंगे? सिर्फ 5। व्हाट वी विल राइट? ओनली 5, राइट? अब सब्ट्रैक्ट करके देखिए, 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, सो हम 5 को कट करके क्या बनाते हैं? 15। नाउ 15 माइनस 8 इज 7। अब 15 कैसे बना? जब इस वाले 5 ने इसको 1 दिया, राइट? सो 5 क्या बन जाएगा? 4। 4 में से क्या माइनस करोगे कि 6 आ जाए? कुछ भी नहीं, तो 4 को हमें क्या बनाना पड़ेगा? 14। अब बताइए 14 में से क्या माइनस करोगे कि 6 आ जाए? 8। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 8। नाउ इसने इसको 1 दिया होगा, तो इसमें से भी तो माइनस 1 हुआ होगा, तो हम पहले ये डिजिट पता लगाते हैं कि क्या होगी। इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 + 5 9, राइट? बट इसने इसको 1 दिया, तो वो वाला 1 भी तो हम ऐड करेंगे। इन दोनों को मिला के 9 बना, इसने भी इसको एक 1 दिया, तभी ये 4 14 बना, सो हम वो वाला 1 भी इसमें ऐड करेंगे, तो क्या बन जाएगा? 10। अब 10 तो नहीं लिख सकते हम, तो क्या लिखेंगे? सिर्फ 0। 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, दैट मीन्स 0 क्या बना होगा? 10। नाउ 10 बना होगा, इसने इसको 1 दे दिया, तो अब 10 क्या बन गया? 9। डोंट फॉरगेट कि इस 10 ने इसको 1 दिया था, तो 10 खुद क्या बन गया? 9। नाउ 9 माइनस 4 इज 5, राइट? अब ये 10 बना होगा, दैट मीन्स इसने इसको 1 दिया होगा, तो 4 क्या बन गया? 3। नाउ 3 में से आप कुछ भी माइनस नहीं कर सकते कि 4 आ जाए, तो 3 को क्या बनाएंगे हम? 13। नाउ 13 माइनस 4, 13 में से क्या माइनस करोगे कि 4 आ जाए? 9, राइट? अब इसने भी इसको 1 दिया होगा, एंड 3 + 3 = 6, सो वो वाला 1 एंड दिस 6 क्या बन गया? 7। 7 ने इसको 1 दिया, तो 7 खुद क्या बन गया? 6। सो क्या आ गया? 6 - 3 = 3। क्लियर हुआ सबको ये पार्ट? सो सिमिलरली यू विल सॉल्व ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। ऐसे ही आप लोग सारे पार्ट्स इस एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू एक्सरसाइज 4.10। इन एक्सरसाइज 4.10, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10, फाइंड द एक्चुअल डिफरेंस टू। सो हमें क्या करना है? पहले नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है, देन उसका डिफरेंस बताना है कि वो कितना आएगा माइनस करके। सो फर्स्ट पार्ट है 758 - 382। देखिए कैसे करोगे, ये आपका फर्स्ट पार्ट, राउंड ऑफ करते हैं। 758 को राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10s पे, मतलब वंस की प्लेस देखेंगे, वंस की प्लेस 5 से ग्रेटर है, तो 10s में प्लस 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 760। ऐसे ही करते हैं राउंड ऑफ। नाउ 382, फिर से वंस प्लेस देखिए, 2 है, 5 से कम है, दैट मीन्स 10s प्लेस एज इट इज आ जाएगी और 2 बन जाएगा 0। अब माइनस करिए 760 - 380, माइनस करेंगे, 0 - 0 = 0, 16 - 8 = 8, 6 - 3 = 3। सो क्या आंसर आ गया हमारा? 380। ये तो आया हमारा एस्टिमेटेड डिफरेंस, अब हमें एक्चुअल डिफरेंस भी बताना है। सो 758 - 382 सब्ट्रैक्ट करिए, क्या आएगा? 15 - 8 = 7, 6 - 3 = 3। सबको क्लियर हुआ? नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 पे। नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करने के लिए हम टेंस की प्लेस देखते हैं। 5 से ग्रेटर है दैट मीन्स 4 में प्लस 1 हो जाएगा और बाकी के डिजिट्स 0। 312 को करिए, टेंस प्लेस देखिए। 5 से स्मॉलर है दैट मीन्स 3 एज इट इज आ जाएगा और बाकी 0। माइनस करिए 200 एंड एक्चुअल डिफरेंस क्या होगा। दोनों को असली में भी माइनस करके देखेंगे हम, जो रियल नंबर्स हैं उनको भी क्या आएगा, 173। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। अब हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 पे। देखिए फर्स्ट पार्ट, 4772 माइनस 2999। 4772 को हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 1000 पे। हमारी हंड्रेड्स प्लेस देखेंगे, 5 से ग्रेटर है तो ये क्या बन जाएगा, 5000। नाउ 2999, फिर से हंड्रेड्स प्लेस देखेंगे, 5 से ग्रेटर है तो 2 में क्या हो जाएगा, प्लस 1, 3000। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसको, 2000 आया। अब जो एक्चुअल नंबर्स हैं हम उनको भी सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। सब्ट्रैक्ट करिए सब लोग, 2 को कट करके 12 बनाएंगे, 7 को 6, देन 16 अगेन एंड 3। माइनस करिए, 12 माइनस 9 3, 16 माइनस 7 सॉरी 16 माइनस 9 7 अगेन 7 एंड 1। सो दिस इज हाउ यू विल डू क्वेश्चन नंबर 3। पहले राउंड ऑफ करना है, देन सब्ट्रैक्ट करना है, देन एक्चुअल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। सिमिलरली यू विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 इन द बुक। इसमें आप नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ करेंगे, सेकेंड पार्ट में आप नियरेस्ट हंड्रेड्स पे। सो कंप्लीट एक्सरसाइज 4.8 एंड 4.10।